भाई आप लोगों को ट्रेन की स्पीड दिखाता हूँ, 133-132 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज फिर से आ चुके एक न्यू व्लॉग के साथ में। आज का व्लॉग बड़ा ही इंटरेस्टेड होने वाला है, क्योंकि यार इस व्लॉग में जो मैंने आप लोगों को कमिट किया था कि मैं अब ट्रेन जर्नी स्टार्ट करने वाला हूँ, तो यार ट्रेन जर्नी सबसे मेरी फर्स्ट ट्रेन जर्नी है जो बहुत ही लंबी यात्रा होने वाली है। लंबी यात्रा भी होने वाली है, दुखद यात्रा भी होने वाली है। दुखद यात्रा कैसे होने वाली है, आप लोग जब मेरे साथ में जर्नी करोगे तो आप लोगों को पता चले जाएगा। बट मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आज मेरे साथ में ट्रैवल करने वाले मिस्टर हिमांशु जी, आप लोग इनको जानते हो, बट कोई दिक्कत नहीं, आप लोग जान जाओगे। तो ट्रेन के बारे में आपको अच्छे से बता दूंगा चलते चलते। अभी फिलहाल मैं आपको बाहर से नई दिल्ली स्टेशन दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। तो बाहर से कुछ ऐसा नज़ारा है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का। अरे देश का झंडा, अरे वाह क्या मस्त नज़ारा लग रहा है। तो थोड़ा ट्रेन के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। जिस ट्रेन के अंदर मैं यात्रा करने वाला हूँ उस ट्रेन का नंबर 12416। ये ट्रेन नई दिल्ली से निकलती है और इंदौर को जाती है। ट्रेन का नाम है इंदौर इंटरसिटी एक्सप्रेस। टाइमिंग के बारे में अगर बात करूँ तो नई दिल्ली से निकलती है रात को 10 बजे और मॉर्निंग में सुबह अगले दिन सुबह 10 बजे पहुँचाती है हमें इंदौर। तो यह ट्रेन नई दिल्ली से लेकर इंदौर के बीच में 17 होल्ट के साथ में 825 किलोमीटर की यात्रा करने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर बने रहना, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि आप लोगों को बहुत ही मजा आने वाला है। फिलहाल एक समस्या, मतलब समस्या तो नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर अभी शाम के 6 बजे रहे हैं, तो 6 बजे ही पहुँच गए। तो अभी थोड़ा इधर उधर घूम लेते हैं क्योंकि चार घंटे पहले आ गया मैं यहाँ पर। तो सबसे पहले कुछ खाने का इंतज़ाम करते हैं। तो खाने का उसे लेके आए हैं अपने घर से ही। ये कोट की चैन थोड़ी ख़राब हो गई है, तो सबसे पहले कोट की चैन बना लेता हूँ मैं अपने। तो गाइस फिलहाल आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। तो यार इसकी ऊंचाई देखो कितनी है, हमारी हाइट के बराबर तो इसकी ऊंचाई है, बताओ यार। मतलब ये थोड़ा ऊपर बनाना चाहिए था, ये काम थोड़ा हल्का है। रेलवे को एक काम अच्छा करना चाहिए, थोड़ा सा इसको ऊपर बना दो यार। जो ऊपर ये टीन भी लगाई हुई इन्होंने, मेरे भी आटा धो जाएंगे बताओ, यहाँ पर क्या फ़ायदा यार लगाने का। तो हमारे साइड में खड़ी है ताप्ती एक्सप्रेस जो 60 किलोमीटर पर है। हमें तो लग गई थोड़ी भूख, अब बैठ के आराम से भाई घर से खाना वाना लेके आए थे वो खा रहे हैं। तो खाना भी अपने साथ में पनीर है, पराठे हैं और आलू सब्जी हो रहा है। बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही ज़बरदस्त आनंद आ रहा है हमें तो, खाना का एंजॉय कर रहे हैं अब तो। हम मिलते सीधा ट्रेन आने के पश्चात। तो गाइस हमारी ट्रेन आ चुकी है, बिल्कुल सही समय पर चल रही है क्योंकि प्लेटफॉर्म पर 1 घंटे पहले ट्रेन लगा दी जाती है उसे। और जो इसके अंदर जो इंजन है वैब 7 का इंजन है गुलगाबाद का इंदौर इंटरसिटी एक्सप्रेस DL1 वो D3 मतलब पीछे ही है D2। इधर खड़ी है मालवा एक्सप्रेस, ये इंदौर जाएगी ये भी, बट उससे पहले तो ये पहुंचा देगी इंदौर, परंतु चलेगी वो पहले बाद में चलेगी क्योंकि वो भोपाल होकर जाती है। तो गाइस अपना DL2 है और कोच नंबर है वैसे 48 और 47। तो यहाँ बैठते अपने आराम से। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि मेरी यात्रा दुखद भरी होने वाली है, तो वो इसलिए होने वाली है क्योंकि आज मैं जर्नी करने वाला हूँ आप लोगों के लिए स्पेशल 2S के अंदर। फर्स्ट टाइम मेरी यात्रा हो रही है 2S के अंदर, मतलब कि इतनी लंबी ट्रैवलिंग मैंने आज तक कभी भी नहीं किया यार। आप लोगों के लिए बताऊँ 2S के अंदर आप लोगों को मैं दिखाऊँगा कि यार इतनी लंबी जर्नी के अंदर 2S का सफ़र कैसा होता है। तो थोड़ा किराए के बारे में आप लोगों को मैं बता देता हूँ। 2S का जो किराया है इंदौर तक का 255 रुपये किराया है। आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो जिसपे 2000 रुपये एक्स्ट्रा ज़्यादा लग जाएंगे। बाकी स्लीपर हो गया, AC हो गया, इनको और बता देता हूँ आप लोगों को। इस ट्रेन का 2S का किराया तो मैंने आप लोगों को बता दिया 260 रुपये, और जो स्लीपर का जो किराया है इस ट्रेन के अंदर 455 रुपये है, और जो AC थर्ड AC का जो किराया है इसमें 1100 रुपये का, मतलब कि कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। जो 2S सेकेंड AC का जो किराया है इसके अंदर 1700 रुपये का है, और जो फर्स्ट AC का है वो 2800 रुपये का है। बाकी अब निकलते हैं यहाँ से, प्रस्थान करते हैं, प्रस्थान करने का भी अब समय हो चुका है हमारा। तो गाइस ट्रेन डिपार्ट होने का समय हो चुका है, बिल्कुल ऑन टाइम 9:50 में अपनी ट्रेन नई दिल्ली से प्रस्थान कर चुकी है। आप लोगों को मैं थोड़ा कोच दिखा देता हूँ कैसा है।
ऐसा कुछ सोच है जंगल का, और रात को मैं इसकी कंडीशन दिखाऊंगा लोग कैसे सोते हैं अंदर। बिल्कुल ऑन टाइम, ब्राइट टाइम निकल रही ट्रेन बिल्कुल। भाई फिलहाल अभी पहुंच चुके हैं मथुरा। इस ट्रेन का ये सेकंड हॉल्ट है। मैंने हजरत निजामुद्दीन को स्किप किया था। फिलहाल यहाँ पर देखने से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बारिश हुई है, और ट्रेन में से यहाँ पर 10 मिनट डिले चल रही है। और मथुरा का स्टेशन कोड है MTJ। आप भी मेरे साथ में बोलिए राधे राधे, क्योंकि और जो मेरी मथुरा की ऑलरेडी एक वीडियो है, मैंने ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक गेर दूंगा, आप लोग देख सकते हो अच्छे से। यार इस टाइम बारिश यार कुछ अजीब लग रहा है मुझे, और मैं देखो यार टी शर्ट में, मतलब गर्मी से लग रही थी इसलिए थोड़ा टी शर्ट में चल रहा हूँ मैं। तो गाइस मैं आपको इस ट्रेन का वॉशरूम कंडीशन दिखा देता हूँ, जिससे कि यात्रा हमारी और अच्छी हो जाती है। वैसे तो ये इस ट्रेन का वॉशरूम कंडीशन है, पानी भी वैसे ओके है, गुड है वैसे। इस ट्रेन का डिपार्ट होने का समय हो चुका है मथुरा स्टेशन से। यहाँ पर आओ तो पेड़े जरूर खाओ, बिना पेड़े तो जाओ मत यहाँ से। पर टाइम मेरा ऐसा कुछ हो रहा है इनमें, इस टाइम सोने का समय है, बताऊँ मैं भी सो के उठाऊँ। बाय बाय मथुरा। मैं आप लोगों को ट्रेन की स्पीड दिखाता हूँ, 133-132 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। बताओ यार कितनी स्पीड राजधानी एक्सप्रेस की होती है, देख सकते हो आप लोग। अभी हम खा रहे खाना, ये बैठे हमारे बादशाह हिमांशु, और ट्रेन दौड़ रही है अपनी फुल रफ्तार से। रफ्तार तो आप लोगों ने देख ली 130 के आसपास। सो गाइस फिलहाल अभी हम आ चुके हैं भरतपुर जंक्शन। ट्रेन 24 मिनट डिले चल रही है अभी। सभी आराम से सो रहे हैं, एक भाई सो जगह रहा है, तो इस नजारे का गाइस फिलहाल अभी आ चुके हैं कोटा जंक्शन। तो कोटा जो स्टेशन कोड है वो कोटा ही है वैसे। तो यहाँ से अभी डिपार्च हो चुका है, 3:23 पे यहाँ पर ट्रेन पहुँच चुकी थी। तो टाइम 3:30 का निकलने का था, बट 3:38 में निकल रही है वैसे यहाँ से। फिलहाल अभी अराइव हो चुके हैं नागदा जंक्शन। तो सबसे पहले कुछ नाश्ता वास्ता देखते हैं भाई, यहाँ पर कुछ मिल जाए। लो नाश्ता तो मिल ही गया पोहा। तब पोहा के भाव दिया, दो प्लेट दे दिए। तब दो चाय दो पोहा। सुन भाई पानी बोतल भर उतर के माँ कसम जी मुझे आ जाओ पानी बोतल भर ले। तो गाइस नागदा स्टेशन पे आके तो इंजन की डायरेक्शन थोड़ी चेंज की जाती है, क्योंकि हम इस साइड से आ रहे थे और इसी साइड में अब जाएंगे, बट थोड़ा राइट टर्न हो जाएंगे इंदौर के लिए। तो अपना वेब 7 अभी आ रहा है, आप लोगों को दिखाते हैं लोकोमोटिव, क्योंकि मैं आप लोगों को लोकोमोटिव थोड़ा मोड़ा दिखाया था, ज़्यादा नहीं दिखाया था। अब आप लोगों को लोकोमोटिव दिखाते हैं। तो आज ये आ गया अपना लोकोमोटिव।
रहा है। बात बनी नहीं, अब दोबारा लगाएंगे वैसे इसको। तो ये लोकोमोटिव है वेब 7 का अब इसको नीचे किया जाएगा, इसको उठाया जाएगा। लोगों को सुबह सुबह का सनसेट दिखाता हूँ, दिख ही रहा होगा कितना, मतलब कि मस्त नज़ारा, कितना अच्छा नज़ारा है। इंजन इज स्टार्टेड। तो गाइस गाड़ी डिपार्च होने का समय हो चुका है, डिपार्च हो चुकी है गाड़ी। भाई वाह, सुबह का सनसेट कितना अच्छा लग रहा है। नागदा जंक्शन, अब मिलते हैं नेक्स्ट होल्ट में। तो भाई इधर वो रूट चला जाता है दिल्ली की तरफ, और ये वाला इंदौर की तरफ। यहाँ से इंदौर की यात्रा स्टार्ट हो चुकी है हमारी, सुबह सुबह मॉर्निंग व्यू के साथ में। मॉर्निंग का नज़ारा कुछ ऐसा हो रहा है, अरे भाई साहब। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर, और फिलहाल अभी ये इंदौर नहीं है, ये है उज्जैन, क्योंकि इंदौर हम जा नहीं रहे। सबसे पहले सोचा प्लान कुछ चेंज हो गया, थोड़ा चेंज ये हो गया कि हम सोचा भाई इंदौर तो आ रहे हैं तो उज्जैन में जो महाकालेश्वर का मंदिर है वहाँ भी थोड़ा घूम लेते हैं, आप लोगों को उस चीज़ के बारे में बता ही देते हैं कैसे क्या कुछ है मंदिर के बारे में, थोड़ा डिटेल दे देते हैं। तो अपनी जर्नी भाई यहीं पे समाप्त होती है। उज्जैन का स्टेशन कोड है UJN, और फिलहाल यार इस जर्नी को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और यार इस चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मिलते हैं बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। एक ऐसी ट्रेन जर्नी आप लोगों के बीच में बहुत जल्द आने वाली है। बाय।